हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं और रियल एनालिसिस में भी टॉपोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसमें अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स और उन्हीं से कनेक्टेड कुछ टॉपिक्स, जैसे कि लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम इन्फिमम और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लास्ट में बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट। सभी के सभी टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी उसके लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या है ये टॉपिक्स, इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ कवर नहीं कर पाता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, तो जो टॉपिक्स यहाँ कवर नहीं हो रहे हैं वो नोट्स में कवर कर रहा हूँ मैं, तो आपको जल्दी ही नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डिटेल में स्टडी कर पाओगे, तो एक बेसिक आइडिया तो यहाँ से लग ही जाएगा, बाकी नोट्स में और कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपर बाउंड्स, अपर बाउंड किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ते हैं अपन एक बार। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, देन अ रियल नंबर कैपिटल एम इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस इफ Every element of S is less than or equal to M. Upper bound किसको बोलते हैं? ऐसा real number जिससे set के सभी element छोटे हों, उसको upper bound बोलते हैं। कोई भी set है, कोई भी set हो सकता है, जैसे मान लो एक set मैंने बना दिया 2, 3, 5 और 10, ये एक set है। इस set का maximum element क्या है? 10। तो इस set के सभी elements 10 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, इन सभी से छोटे, तो ये सभी अपर बाउंड्स हो गए इस सेट के लिए। अपर बाउंड मतलब ऐसी वैल्यू, ऐसा कोई रियल नंबर जिससे सारे एलिमेंट्स छोटे आ रहे हो। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 10 से बड़े जितने भी नंबर हैं, 10 या 10 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, वो सभी के सभी अपर बाउंड्स होते हैं इसमें, क्योंकि उन सभी से ये चारों वैल्यूज छोटी हैं। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, R का ही सबसेट है, रियल नंबर्स का सबसेट है, देन अ रियल नंबर कैपिटल M इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ S इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू M। इक्वल टू M भी हो सकता है, मतलब 10 भी अपर बाउंड ही है, या फिर अगर 10 से बड़ा कोई नंबर लोगे वो भी अपर बाउंड होएगा। तो अपर बाउंड्स इनफाइनाइट होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि केवल एक अपर बाउंड होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू है वही अपर बाउंड है, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे यहां पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक बार। ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि x इज लेस देन और इक्वल टू m रहेगा, जहां पर x क्या है, s के एलिमेंट्स हैं, तो s के सभी एलिमेंट्स यहां किससे छोटे हैं, 10 या 10 से। तो इस तरीके से मैथमेटिकली ये लिखा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन, इफ नो सच रियल नंबर m एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है ना कि किसी किसी में ये m एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जिससे सभी छोटे हों, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट ले लो आप। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बढ़ते जाओ, कहाँ तक जाओगे, कोई एंड ही नहीं है। तो आप ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हो जिससे ये सभी छोटी आए, पता ही नहीं है ना अपने को, तो ऐसा कोई एम पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिससे इसके सारे एलिमेंट्स छोटे हों, क्योंकि एन तो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इफ नो सच रियल नंबर एम एग्जिस्ट देन सेट एस इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड अबव आगे की तरफ अनबाउंडेड है, या फिर सीधा बोल दो कि नॉट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, सीधा ये बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है और मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे कॉमन और सबसे आसान समझने के लिए एग्जाम्पल है। देखो S मान लो एक सेट है, इस एग्जांपल को और डिटेल में लेंगे इधर और आगे, एक बार बेसिक आइडिया ले लेते हैं इसका। S एक सेट है 1/n टाइप का, जहां पर n नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाओगे तो सेट मिलता चला जाएगा। क्या है सेट ये, 1/1, 2 रखा तो 1/2, 3 रखा तो 1/3, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते कहां तक जा सकते हो आप भाई, नेचुरल नंबर्स का तो कोई एंड है नहीं, एंड नहीं है, तो लास्ट में मान लो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं हम, इनफाइनाइट की तरफ पहुंचने की टेंडेंसी है, तो अगर इनफाइनाइट रखते हो तो 1/∞ के फॉर्मेट के हिसाब से ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, मतलब हद से हद कम होते होते वो जीरो जा सकता है, कम ही हो रहा है, 1 के बाद 1/2, फिर 1/3 कम हो रहा है, तो 1 से कम होते 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 जीरो तक पहुंच सकता है, हालांकि जीरो इसका एलिमेंट नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट हम रख नहीं सकते, तो जीरो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन जीरो की तरफ टेंडेंसी है, उससे छोटा नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। तो अगर इसको नंबर लाइन में बनाएं तो ये 1 से शुरू होगा,
फिर 1/2 ये रहा, फिर 1/3 ये रहा, फिर 1/4, 1/5, 6 ऐसे बढ़ते 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 एट द एंड जीरो हद से हद मिल सकता है, वो भी मिलेगा नहीं हालांकि, लेकिन उससे पीछे तो नहीं जाएंगे हम लोग, ये बात कंफर्म है। तो हमारा सेट जो मिला ना, हमारा सेट इतना ही है, इतने ही पोर्शन में हमारा सेट मिल रहा है, एस सेट के सारे एलिमेंट्स इतने ही पोर्शन में है। इसका मतलब एस सेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कितना है, 1। तो 1 या 1 से बड़े इधर रियल नंबर पे जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, वो सभी उसके लिए अपर बाउंड्स हो जाएंगे, क्योंकि x क्या है, ये x है हमारा, s के सभी एलिमेंट्स को x बोलते हैं, और x a के x से छोटा है, a के x से छोटा है, तो 1 इज अपर बाउंड ये कह सकते हो, और 1 से बड़े भी सभी अपर बाउंड्स ही आएंगे। ये मैं इधर और शो करूंगा, इस चीज को यहां लिखा नहीं है, 1 इज अपर बाउंड एंड रियल नंबर ग्रेटर देन 1 इज ऑल्सो अपर बाउंड्स ऑफ एस। क्लियर है यहां तक बात? आगे देखते हैं। वी से सेट इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एंड अपर बाउंड। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए तो बाउंडेड, अबव नहीं करे तो अनबाउंडेड अबव। ये मैं मुझे शायद उधर लिखना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया इसको, ठीक है। अब इफ एल्फा इज अपर बाउंड देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन एल्फा is also an upper bound। अगर अल्फा अपर बाउंड बोल रहे हैं हम लोग, अल्फा बोल दो या इधर m बोल दो, m बोल रहे हैं फिलहाल यहां, तो m लिख देता हूं, ऐसा करता हूं मैं यहां पर, ये m अगर आप कह रहे हो ना, m is upper bound then every real number greater than m is also upper bound। उससे बड़े भी सारे नंबर्स अपर बाउंड ही होंगे, क्योंकि उन सभी नंबर से, अब यहां 20 से भी छोटे हैं सारे के सारे, 50 से भी छोटे हैं सारे के सारे, तो डेफिनेशन के हिसाब से सब कुछ सेट हो रहा है यहां पर, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इनफाइनाइट अपर बाउंड्स आएंगे यहां पर। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इन एग्जांपल नंबर 1 ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1 आर अपर बाउंड्स। 1 से बड़े सारे के सारे रियल नंबर्स अपर बाउंड्स हैं, क्योंकि उन सभी वैल्यूज से छोटा है पूरा एस सेट। आगे अब अपर बाउंड्स इनफाइनाइट बन जाते हैं, ढेरों बन जाते हैं, तो इसलिए उसका पूरा एक सेट बना सकते हैं हम लोग। सेट ऑफ अपर बाउंड्स क्या होगा इस केस में, अपर बाउंड्स का सेट ये है, जो भी आपका सेट हो ना उसको रियल नंबर लाइन पे बना लो, और जितना मैक्सिमम इस तरफ बन रहा हो उसके आगे के सारे अपर बाउंड्स ही होते हैं, ये बात है ध्यान देने वाली। तो ये मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, तो 1 से बड़े सारे अपर बाउंड्स हो गए। तो अपर बाउंड्स का सेट क्या है, x, जहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, x रियल नंबर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो द सेट बाउंडेड अबव, अगर अपर बाउंड है एग्जिस्ट, मतलब बाउंडेड अबव सेट है, has an infinite number of upper bounds। ये हमने डिस्कस कर लिया है, रिपीटेड चीजें आ रही हैं, बस अलग अलग लिखा हुआ है ताकि ध्यान रह जाए। तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स आएंगे, यहाँ पर आ ही रहे हैं इन्फाइनाइट अपर बाउंड्स। अब इन्फाइनाइट अपर बाउंड्स आएंगे तो उन अपर बाउंड्स में से एक खास अपर बाउंड्स होता है, खास अपर बाउंड होता है कौन सा, 1 से बड़े तो सारे के सारे ही अपर बाउंड्स हैं, तो इन अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं इस सेट के लिए, इनमें सबसे छोटा कौन है, 1, उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत जगह काम आएगी। लीस्ट अपर बाउंड बोल दो, मतलब जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें से स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट ही है, और उसको सुप्रीमम भी नाम देते हैं। सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड लिखने का तरीका क्या रहेगा, शॉर्ट में लीस्ट अपर बाउंड को LUB लिखते हैं, स्टैंडर्ड है ये, कहीं भी आप यूज ले सकते हो। सुप्रीमम को SUP ऑफ S सेट, सुप्रीमम ऑफ सेट S इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अब यहां पर सुप्रीमम कितना आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सारे अपर बाउंड्स हैं, तो इनमें लीस्ट कौन सा है, 1, तो सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 1। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे दो खास लाइनें सुप्रीमम के बारे में या लीस्ट अपर बाउंड के बारे में है, वो हम देख लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ एस मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीमम उसमें बिलोंग करे, ऐसा हो सकता है कि सुप्रीमम उसमें बिलोंग नहीं करे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस पर्टिकुलर केस का देता हूँ, मान लो ये 1/n ना हो करके सेट एस, अब एक तो जगह नहीं होती, इसी चक्कर में पॉइंट छूट जाते हैं बहुत सारे, माइनस का 1/n ये है, मान लो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, मान लो ये एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आप रखोगे तो माइनस का 1/1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/3,
होते 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 लास्ट में जीरो तक जाएगा ये, जीरो हालांकि पहुंचेगा नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। तो अगर इसको नंबर लाइन में आप बनाते हो तो ये माइनस वन है और ये जीरो है, और यहां से यूं बढ़ता जाएगा ये, मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने ज्यादा ही बना दिया, वन बाई टू यहां से शुरू होगा, यूं आगे तक बढ़ रहा है, मतलब ये जीरो तक पहुंचेगा नहीं। और अपर बाउंड इसका क्या है, जीरो से शुरू। तो इस सेट के लिए पर्टिकुलर अपर बाउंड्स जीरो या जीरो से बड़े रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सेट माइनस वन से जीरो तक जा रहा है, जीरो नॉट इंक्लूडेड। अगर एस सेट की बात करें तो एस सेट माइनस वन से जीरो तक जाएगा और जीरो नॉट इंक्लूडेड है। जीरो या जीरो से बड़े सारे के सारे नंबर्स उसके लिए अपर बाउंड्स हैं, उसमें से लीस्ट अपर बाउंड है जीरो, और जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एस है। तो जरूरी नहीं है कि अपर बाउंड जो होगा वो उसमें बिलोंग करे, मतलब लीस्ट अपर बाउंड डज नॉट बिलोंग भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इफ सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, सुप्रीमम ऑफ एस अगर एस में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि इसमें कर रहा है, इसका सुप्रीमम वन है और वो इस सेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलते हैं सेट एस का। सेट एस का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वन, क्योंकि उससे बड़े सारे के सारे अपर बाउंड्स माने जाएंगे। तो लीस्ट अपर बाउंड अगर सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अभी जैसे इसकी बात करें, लीस्ट अपर बाउंड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जीरो इसका लीस्ट अपर बाउंड है, जीरो से छोटे ही हैं सारे के सारे, और जीरो से जस्ट पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप लीस्ट अपर बाउंड की कैटेगरी में डालो। तो जीरो से छोटे अगर सारे के सारे हैं लेकिन जीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप इसमें ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बता सकते। इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या आएगा, जीरो से जस्ट छोटा, क्योंकि जीरो तो इसमें नहीं है, तो जीरो से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। जीरो से जस्ट छोटा या किसी भी नंबर से जस्ट छोटा नंबर डिफाइंड ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि यहां पर लीस्ट अपर बाउंड क्या है, समझ रहे हो बात को। तो अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट के अंदर तो फिर वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, अदरवाइज वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट डिफाइंड ही नहीं है उसमें, ये बात है। तो ये तीन टर्म हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस कर ली है, एक तो अपर बाउंड किसको बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड किसको बोलते हैं, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता है, होता क्या है, और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल एक ही केस में एग्जिस्ट करेगा, अगर सुप्रीमम उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो, ठीक है। अब इसके और एग्जांपल्स लेंगे, जैसे ये तो एक ही एग्जांपल लिया है, मैं आगे और एग्जांपल्स लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लोअर बाउंड भी बता दूं। तो क्या है, मिक्स एग्जांपल्स करेंगे, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट के। लास्ट में मैं चार पांच एग्जांपल्स लूंगा, काफी अच्छे एग्जांपल्स लूंगा, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको एग्जैक्टली कि सभी में डिफरेंस क्या है और किसकी डेफिनेशन किसके हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो मैं लोअर बाउंड स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब एक कमाल की बात मैं आपको यहां बता दूं कि अपर बाउंड की तरह ही एग्जैक्टली लोअर बाउंड की डेफिनेशंस और पॉइंट्स चलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, मेनली सभी चीजें सेम है, बस माइनर माइनर सा फर्क है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये अपर बाउंड है उसकी जगह मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं लोअर बाउंड, में यहीं पर करेक्शन कर देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लोअर बाउंड किसको बोलते हैं, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर देन अ रियल नंबर स्मॉल एम, मान लेते हैं उसको, कैपिटल हमने उसको बोल दिया, तो स्मॉल एम इज कॉल्ड एन लोअर बाउंड ऑफ एस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम। बस इतना सा चेंज है, मतलब सभी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़े हैं तो वो लोअर बाउंड है, सभी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हैं तो वो अपर बाउंड है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम। तो ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s बिलोंग, x बिलोंग्स टू s है। अब यहां की बात करें तो यहां पर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे बड़े या बराबर ही हैं बाकी सभी एलिमेंट्स, तो 2 यहां पर लोअर बाउंड हो गया। केवल 2 की बात नहीं है, 2 से छोटे सभी के सभी एलिमेंट, जैसे 1 की बात करें तो 1 से छोटे ही हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, वो लोअर बाउंड हो गया। मतलब ये है कि अगर कोई सेट S आपको दे रखा है तो सेट S के सभी एलिमेंट से बड़े वाले तो सारे के सारे अपर बाउंड्स हो जाते हैं, और सेट S के एलिमेंट से छोटे वाले सभी के सभी लोअर बाउंड्स हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेट की मैं बात करूं और लोअर बाउंड्स की बात करूं तो वो आएंगे ये, जीरो या जीरो से छोटे सभी के सभी लोअर बाउंड्स हैं यहां पर। तो यहां पर एक्स इज, एक्स जो है, एक्स मतलब एस के एलिमेंट्स, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो या जीरो से बड़े हैं, तो जीरो
इज अपर बाउंड ऑफ एस, केवल जीरो की बात नहीं है, जीरो से छोटे सभी के सभी अपर बाउंड्स होंगे। तो मैं एक एक पॉइंट को चेंज करते हुए आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो यहां तक तो समझ में आ ही गया कि सभी एलिमेंट्स उससे बड़े होने चाहिए, तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। स्मॉल एम से हमने उसको डिनोट किया है। अब देखो, इफ नो सच रियल नंबर स्मॉल एम एग्जिस्ट देन सेट एस इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड, या तो नॉट बाउंडेड बोल दो सिंपल में, या फिर अनबाउंडेड बिलो, पीछे की तरफ अनबाउंडेड है अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तो ये तो केवल बाउंडेड अबव ही है, बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि वन से छोटा नहीं है कोई भी इसमें। तो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट की बात चल रही है, तो वन या वन से छोटे नंबर्स जितने भी हैं, वन या वन से छोटे रियल नंबर्स जितने भी हैं, वो सभी लोअर बाउंड्स में आते हैं, सभी के सभी लोअर बाउंड्स आएंगे, ठीक है। तो लोअर बाउंड्स या अपर बाउंड्स जो भी हैं वो सभी रियल नंबर्स होंगे, ये बात ध्यान रखें। उस सेट में एग्जिस्ट करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे की बात करें, वी से सेट इज बाउंडेड अबव, अबव की जगह बिलो कर दो, यहाँ सेम टू सेम चलेगा सारा का सारा। वी से सेट इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट एंड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो बोल देते हैं उसको, नहीं है तो अनबाउंडेड बिलो बोल देंगे उसको, ठीक है। आगे, इफ स्मॉल एम इज लोअर बाउंड, इफ स्मॉल एम इज लोअर बाउंड देन एवरी रियल नंबर लेस देन स्मॉल एम इज ऑल्सो एन लोअर बाउंड। ये डेफिनेशन हो गई, ये और पॉइंट बन गए। मतलब अगर एम लोअर बाउंड है, अगर टू लोअर बाउंड है, तो उससे छोटे वाले सभी लोअर बाउंड हैं। अगर वन लोअर बाउंड आप बोल दे हो, मान लो एक लोअर बाउंड आपको मिल गया, तो उससे छोटे वाले तो कन्फर्म है कि सारे के सारे लोअर बाउंड ही होंगे, आगे वालों का पता नहीं है अभी, क्योंकि आपने अगर 1 बोल दिया तो 1.2, 1.3 इसका अभी नहीं कह सकते अगर आपके पास सेट नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास केवल इतना पता है कि कोई एक सेट है भाई, उसका लोअर बाउंड 1 है, तो 110% 1 से छोटे सभी लोअर बाउंड ही होंगे बाकी के भी, ठीक है। हाँ, तो इन एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1, 0 से छोटे सारे के सारे रियल नंबर्स लोअर बाउंड्स होंगे, तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स आएंगे, आर लोअर बाउंड्स। सेट ऑफ लोअर बाउंड्स अगर बनाना चाहें हम, तो क्या बनेगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, सभी के सभी, 0 इंक्लूड रहेगा, यहां पर रहता है इंक्लूड, ठीक है। द सेट बाउंडेड बिलो हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, अगर बाउंडेड बिलो है, पीछे की तरफ रुक गया कहीं पर जाकर के, तो सभी के सभी इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स बन जाएंगे वहां पर। अब लीस्ट अपर बाउंड की जगह यहां पर लिखा जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसको शॉर्ट में फिर हम नाम देंगे GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के हिसाब से। और सुप्रीमम की जगह नाम आता है इसका इनफिमम, इनफिमम, तो इसको लिखने का तरीका होता है INF ऑफ S, इनफिमम ऑफ S, ये लिखते हैं। और डेफिनेशन क्या होगी, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, नहीं स्मॉलेस्ट नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, जितने भी लोअर बाउंड्स हैं ना आपके, कितने लोअर बाउंड्स हैं, ये सभी लोअर बाउंड्स हैं, उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, ये, तो यही हमारे लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है। तो नाम के अकॉर्डिंग है, मतलब ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को अगर लोअर बाउंड पता है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम निकाल सकते हैं, नाम के हिसाब से चल रहा है सारा। बस दूसरा नाम भी काफी ज्यादा फेमस है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ये इनफिमम होता है, ठीक है। अब इसका इनफिमम बात करें, तो इनफिमम 0 से छोटे ही है बाकी सारे, क्योंकि तो यहां पर इनफिमम आप यहां लिखोगे इनफिमम ऑफ एफ एस आ गया 0। अब देखो इन अगेन सेम बात, इनफिमम ऑफ एस मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट एस, ये रहा एग्जांपल, इसमें 0 है लेकिन 0 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 0 मिलेगा इनफाइनाइट रखने पर, इनफाइनाइट हम रख नहीं सकते, नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट हम रख नहीं पाएंगे, इसलिए 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन इनफिमम है। इसकी बात करें
तो इसका इन्फिमम क्या आएगा? माइनस वन, क्योंकि सभी एलिमेंट्स माइनस वन से तो बड़े ही हैं, तो माइनस वन या उससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट के लिए इन्फिमम हो गए, और उनमें से मतलब वो सभी इन्फिमम नहीं सॉरी वो सभी उसके लिए लोअर बाउंड हो गए, और उन सभी लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो माइनस वन है, तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए माइनस वन इन्फिमम हो गया और माइनस वन इसमें बिलोंग कर रहा है। तो कुछ सेट्स में हो सकता है इन्फिमम बिलोंग करे, कुछ में हो सकता है बिलोंग ना करे, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट, इफ इन्फिमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस देन इट इज कॉल्ड, ग्रेटेस्ट की जगह अब आप यहां पर लिख दोगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट मेंबर, मेंबर वैसे मेंबर और एलिमेंट्स ज्यादा चलते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट मेंबर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो तीन डेफिनेशंस और हमने यहां पर करी इसी में मॉडिफाई कर करके, कौन कौन सी, एक तो लोअर बाउंड्स, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। छह डेफिनेशंस हम लोगों ने कर ली है, दो और करते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड वाली, फिर कुछ खास एग्जांपल्स लेंगे जिसमें सभी कवर हो जाएंगे एक साथ, आठों की आठों डेफिनेशंस। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो बात करते हैं बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट की, हालांकि अपन ने बात कर ली है, जो हमने लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड सीखे थे उसमें हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर अगर लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो अनबाउंडेड सेट होता है वो, और अगर अपर बाउंड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी अनबाउंडेड सेट होता है वो। तो यहां पर अनबाउंडेड की तो तुरंत ही मिल जाएगी आपको, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर देन एस इज कॉल्ड अनबाउंडेड इफ लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एस, या तो लोअर बाउंड्स ना हो या उसके अपर बाउंड्स ना हो या फिर दोनों ही ना हो, ऐसे केस में अनबाउंडेड सेट बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे अगर आप उसको बनाओ तो या तो इस तरफ से वो रुक ही नहीं रहो या इस तरफ से वो रुक ही नहीं रहो, तो वो अनबाउंडेड है। अगर दोनों तरफ से वो रुक रहा है तो बाउंडेड है। मैं अभी बाउंडेड की तरफ आता हूं, एक बार ये बता ही देता हूं क्योंकि पीछे से चल रहा है कंटिन्यू में। तो अनबाउंडेड का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर रियल नंबर लाइन पे उसमें बनाओ तो वन देन टू देन थ्री यूं बढ़ते जाएंगे वो आगे तक, तो ये इस तरफ तो बाउंडेड नहीं हुए ना, इधर चलो बाउंडेड है लेकिन उस तरफ बाउंडेड नहीं है, दोनों तरफ बाउंड होना चाहिए, वो दोनों तरफ बंधे हुए होने चाहिए कि उससे ना बड़ा जाएगा ना इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा जाएगा, तो इस तरह से अगर होगा तो वो बाउंडेड माना जाएगा, अदरवाइज अनबाउंडेड है। नेचुरल नंबर्स का सेट भी, रियल नंबर्स का सेट तो अनबाउंडेड है ही, पूरी लाइन ही चल रही है, इधर भी नहीं रुक रहा उधर भी नहीं रुक रहा दोनों तरफ ही नहीं रुक रहा, तो अनबाउंडेड हो गया है। इसकी बात करें जैसे 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यहां रखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक जा रहा है। तो ये अगर नंबर लाइन पे बनाओ तो शुरू हो रहा है 2 से और फिर बढ़ता जा रहा है पता नहीं कहां तक जाएगा, इधर से अनबाउंडेड हो गया वो। तो अनबाउंडेड का मतलब है या तो इधर ना रुके या इस तरफ ना रुके या दोनों तरफ ही ना रुके, वो अनबाउंडेड है। बाउंडेड किसको बोलते हैं, जो दोनों तरफ रुके कहीं ना कहीं जाकर के, जैसे लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर देन एस इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट एक्स जो है स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में रहे। एक्स क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स एस सेट के, तो अगर एस सेट के सारे एलिमेंट्स दो रियल नंबर्स के बीच में मिल रहे हैं हमें तो वो बाउंडेड सेट है, इन दोनों से बाउंड हो गया, उन दोनों के बीच में है वो। जैसे एस सेट है 1/n, तो ये 1/n 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है ना, 0 तो उसमें नहीं है लेकिन 1 तो है, तो 0 से 1 के बीच में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब एस इज बाउंडेड सेट। तो इस तरह के जो भी सेट होते हैं जो नंबर लाइन पे कहीं से शुरू होकर के कहीं पे खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब वो बाउंडेड है, इधर खत्म नहीं हो रहा या इधर खत्म नहीं हो रहा या दोनों तरफ खत्म नहीं हो रहा तो अनबाउंडेड है, बस इतनी सी बात है। ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया उन आठों के आठों डेफिनेशंस का, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, ये सभी मतलब आठ वैल्यूज का हमने, आठ डेफिनेशंस का बेसिक आइडिया ले लिया है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, 5-6 एग्जांपल्स, जिससे आपको एग्जैक्टली और क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे क्या निकाला जाता है क्वेश्चंस देख करके। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं और बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं नोट्स में लिख दूंगा इसके अलावा भी। ठीक है, पहले इन चार को समझ लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल है, एस इज इक्वल टू पाई प्लस
1 बाई 2 की पावर n और n belongs to natural numbers है, मतलब S set इस तरह का है जिसमें इस पैटर्न के एलिमेंट्स हैं, इस पैटर्न के मतलब n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1 बाई 2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1 बाई 2 की पावर 2 मतलब 4, n की वैल्यू 3 रखोगे तो पाई प्लस 1 बाई 2 की पावर 3 मतलब 8 लिख दो इसको 8, और इस तरह से मतलब चलते चले जाएंगे। ये S सेट के एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही है ना इसमें, उसके बाद तो छोटा ही हो रहा है, 1 बाई 2 से छोटा है 1 बाई 4, उसके बाद और छोटा हो रहा है 1 बाई 8, और लास्ट में बनेगा पाई प्लस 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, टेंडिंग टुवर्ड्स होगा, बनेगा नहीं एग्जैक्टली, टेंडिंग टुवर्ड्स ये आएगा, जिसका मतलब हो गया टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस 1 बाई इनफाइनाइट, दैट मीन्स पाई प्लस 0 दैट मीन्स पाई, एट द एंड पाई तक जा सकता है ये, उससे कम नहीं जाएगा, कम हो रहा है, सबसे बड़ा यही है और कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और पाई लास्ट जाएगा, इससे छोटा नहीं जाएगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो S सेट के सभी एलिमेंट्स, अगर S सेट के एलिमेंट्स को आप x से डिनोट करो तो x की वैल्यूज पाई से लेकर के पाई प्लस 1 बाई 2 के बीच में है, जिसमें ये तो इंक्लूडेड है, ये नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि पाई नहीं मिलेगा। ये आप अगर नोटिस करो तो ये बन रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू S, ये है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको S1, इसको S2, नहीं 2 है ना तो इसको S2 ले लो, इसको S3 ले लो, ये S4, क्या है इनको एड्रेस करने में आसान रहेगा। तो x बिलोंग्स टू S2 हो गया, ठीक है। अगर ऐसा बन गया तो आप क्लियरली कह सकते हो, पहली बात तो क्या क्या कंक्लूजन यहां से निकल सकते हैं, पहला कंक्लूजन कि ये बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट है, दोनों तरफ मिल रहे हैं अपने को, लोअर बाउंड मिल रहा है, अपर बाउंड मिल रहे हैं, बाउंडेड सेट मिल गया। उसके बाद सुप्रीमम ऑफ S2 सेट इज इक्वल टू, सुप्रीमम ये रहा पाई प्लस 1 बाई 2, इनफिमम हमें मिल रहा है S2 सेट के लिए क्या, पाई, और सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है S2 सेट में, ये बिलोंग नहीं कर रहा S2 सेट में, और अगर सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है इसमें तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए क्या था, अगर सुप्रीमम उस सेट में है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, अगर नहीं है तो फिर डिफाइंड नहीं है, अगर इनफिमम उस सेट में है तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर इनफिमम उस सेट में नहीं है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसका डिफाइंड नहीं है, उसमें बता नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट लिख लो यहां भले चाहो तो, एक और कंक्लूजन ये है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो आएगा पाई प्लस 1 बाई 2, ये सारे कंक्लूजन हमने इसमें बता दिए, और सेट ऑफ अपर बाउंड्स होगा पाई प्लस 1 बाई 2 से बड़े सारे के सारे रियल नंबर्स, और सेट ऑफ लोअर बाउंड्स होगा पाई से छोटे सारे के सारे रियल नंबर्स। जितने भी कंक्लूजन्स पॉसिबल थे वो सब हमने यहाँ पे बना लिए इससे। तो इस तरह से मतलब सेट अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप उसमें कंक्लूजन्स बना सकते हो। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये दोनों आसान है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़े अच्छे क्वेश्चन पर अपन आएंगे आगे। देखो आप थर्ड एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा आसान, ये तो सबसे आसान है। इसने बोला कि एक से लेके दो तक है और तीन से लेके चार तक है, सॉरी तीन से लेके आठ तक है। अगर नंबर लाइन पे बना भी दो ना इसको, तो ये एक दो तीन और आठ मान लो यहाँ है, एक दो, तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, उसके अलावा और कहीं है ही नहीं S सेट। तो अपर बाउंड्स तो ये सारे हो गए, ये सारी रियल नंबर्स अपर बाउंड्स हो गए, ये सारे रियल नंबर्स जितने भी हैं लोअर बाउंड्स हो गए सारे के सारे, और सेट बाउंडेड है क्योंकि 1 से 8 के बीच में ये सारे एलिमेंट्स, ना 8 से ज़्यादा है ना 1 से कम दिख रहे हैं, बीच के कुछ एलिमेंट्स नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट अपने को देखना होता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो इसका इनफिमम है, पहले मैं लिख दूँ S3 सेट जो है वो बाउंडेड सेट है, पहले कंक्लूजन तो ये बाउंडेड सेट है। दूसरा कंक्लूजन ये कि इसका सुप्रीमम ऑफ सेट S3 वो हमें मिलेगा 8 मैक्सिमम, जितना भी दिख रहा है ये, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा जो है वो सुप्रीमम होता है, और लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है वो इनफिमम होता है, इनफिमम ऑफ S3 मिलेगा आपको 1, ये तीसरी बात। चौथी बात, Q
क्योंकि सुप्रीमम भी डज नॉट बिलोंग्स टू S3 है और इनफिमम भी डज नॉट बिलोंग्स टू S3 है, इसलिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो यहां पर डिफाइंड नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बताने लायक थी, बाकी तो सब वही है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट होंगे नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो। S4 है साइन n पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब n पाई बाई 6 का मतलब क्या है, n की वैल्यू आप रखते जाओगे, चेंज करते जाओगे, ये चीज बदलती जाएगी। तो ये होगा सबसे पहले तो साइन पाई बाई 6, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है इसका साइन 2 पाई बाई 6, तीसरा एलिमेंट n की वैल्यू 3 रखोगे तो साइन 3 पाई बाई 6, और यूं ही बढ़ते 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 जितना भी आप रखते जाओ नेचुरल नंबर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा भी नोटिस किया यहां पर कि बढ़ते बढ़ते और कम होते होते जो भी पैटर्न है उसमें मिल तो साइन ही रहे ना सारे के सारे, हैं तो सारे के सारे एलिमेंट साइन के फॉर्मेट में ही, और साइन फंक्शन में ये खास बात है कि वो माइनस वन से लेकर के वन तक जाएगा, और इतने सारे बनेंगे तो सारे साइन की सारी वैल्यूज इसमें कवर हो ही जाएंगी, और साइन जाता है माइनस वन से वन तक के बीच में, तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकती है तो माइनस वन हो सकती है और स्मॉलेस्ट हो सकती है तो प्लस वन हो सकती है। जैसे ये है, ये कट गया तो साइन पाई बाई टू प्लस वन मैक्सिमम मिल गया, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं साइन फंक्शन, तो यहां पर काफी कुछ हमें मिलेगा। तो यहां पर आप लिखोगे कि बाउंडेड सेट है, पहली बात तो ये कि ये भी एक बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट कहां से कहां तक, माइनस वन से लेकर के वन के बीच में एलिमेंट्स मिलेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस फोर, और माइनस वन भी मिलेगा और प्लस वन भी मिलेगा, इसमें सभी मिलेंगे इसमें। तो यहां पर आप लिखोगे कि सुप्रीमम जो है S3 का वो है रियल नंबर लाइन पे, अगर आप इसको बनाओ तो ये माइनस वन से वन तक आएगा, ये वैल्यूज सारी मिल रही हैं अपने को S4 सेट में, तो ये सभी आ गए अपर बाउंड्स और ये सभी मिल रहे हैं इस तरफ की लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स मिल गए, लोअर बाउंड्स मिल गए। आपको अपर बाउंड्स का सेट बोले तो वन से इन्फिनिट बोल देना, लोअर बाउंड्स का सेट बोले तो माइनस इन्फिनिट से माइनस वन बोल देना, बाकी सुप्रीमम और इनफिमम ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं केवल उतना ही लिख रहा हूं। यहां पर जगह की थोड़ी कमी है, आप लोग समझ तो गए होंगे क्या कैसे लिखना है इसमें, है ना। सुप्रीमम यहां पर वन है, इनफिमम माइनस वन है, यहां से भी समझ में आता है माइनस वन और वन, सुप्रीमम और इनफिमम। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है, क्यों, क्योंकि सुप्रीमम और इनफिमम दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट में, आ रहे हैं, वैल्यूज मिल रही है सेट में, अगर मिल रही है तो वही ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज डिफाइंड होती हैं और वही वैल्यूज होती हैं, अदरवाइज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस सेट में डिफाइंड नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर यही बन जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और यह बन जाएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब यहां की बात करें, ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा अपन ध्यान से करेंगे, गौर करके करेंगे अब शांति से। देखो ये है m प्लस वन बाई एन, और m और n क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स रैंडम ले सकते हैं कोई भी, मतलब m वन ले लिया तो n वहां पर जीरो टू, जीरो तो होता नहीं है, टू फाइव ट्वेंटी टू थाउजेंड कुछ भी ले लो, मतलब m और n का कोई पैटर्न नहीं है, कैसे भी रैंडमली दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं और इस तरह का जो भी पैटर्न बनेगा वो S5 सेट है, तो मिनिमम कितना बन सकता है सबसे पहले तो गौर करने की वाली ये बात है, और फिर मैक्सिमम पे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो मिनिमम ध्यान से देखो, यहां पर मिनिमम अगर बनेगा तो देखने पे ऐसे लग सकता है कि मिनिमम तो ये आना चाहिए कि भाई M और N दोनों की वैल्यू वन वन रख दो, भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मिनिमम वन होते हैं, तो मिनिमम वैल्यू रख दो वन, तो वन मिनिमम रखोगे तो वन प्लस वन अपॉन वन वो तो टू हो गया, तो S5 सेट की मिनिमम वैल्यू हमें टू लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है ध्यान से देखो आप, ये जरूर थोड़ी है वन वन ही रखें, अगर हम इसमें n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू तो छोटी होगी ना, अगर इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो m की तो छोटी से छोटी वैल्यू रखो, लेकिन n की आप बड़ी से बड़ी वैल्यू रखो तो पूरे S3 सेट की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो m की वैल्यू तो मैंने 1 रख दी और n की वैल्यू मैं इनफाइनाइट रख रहा हूं, इनफाइनाइट होगा तो नहीं लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट रख देंगे हम, ओपन सेट बना देंगे, जैसे ये ओपन सेट था, इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे तो नहीं लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स ले लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमें S5 की मिलेगी। देखो
एम प्लस वन बाई एन की वैल्यू आ जाएगी उस केस में, वन प्लस वन बाई इनफाइनाइट मतलब वन, तो मिनिमम वैल्यू उसकी वन है, ऐसा नहीं है कि टू है, वन है मिनिमम वैल्यू। हालांकि वन अचीव नहीं होगी, वन से बड़ी है सारी वैल्यूज, लेकिन इनफिमम इसका वन आएगा जो कि सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्चुअल में डिफाइंड नहीं है इसकी, ठीक है। जैसे वन प्लस वन बाई टू, टू से तो वही छोटी है, तो टू तो हम गलत ही ले रहे थे, है ना। अब बात करें मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल ही नहीं है। एम की वैल्यू आप ले लो इनफाइनाइट, मतलब कितने भी ले सकते हैं ना, बड़ी से बड़ी वैल्यू एम की बढ़ाते जाओ, एन से मतलब ही नहीं रहा, अकेला ये एम ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, नेचुरल नंबर्स कितने ही है, इनफाइनाइट तक पहुंचते हैं। तो अपर बाउंड इसका डिफाइंड नहीं है, लोअर बाउंड इसका डिफाइंड है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये बाउंडेड नहीं है। पहली बात तो इस सेट के बारे में लिखोगे कि ये अनबाउंडेड सेट है। एक ही एग्जाम्पल लिया हमने अनबाउंडेड का, तीनों बाउंडेड के थे, ये अनबाउंडेड सेट है ये, पहली बात तो ये। तो सुप्रीमम ऑफ एस थ्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड अबव है ये, इसलिए सुप्रीमम तो डिफाइंड नहीं है। लेकिन इनफिमम हम कह सकते हैं, इनफिमम ऑफ एस फाइव है ना, एस फाइव इज इक्वल टू वन आएगा, विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस फाइव, बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों ही नॉट डिफाइंड है। स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि इनफिमम उसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ग्रेटेस्ट इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि सुप्रीमम निकल ही नहीं रहा, निकलेगा ही नहीं तो डिफाइंड कहां से करोगे। तो ये है पैटर्न क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बस इतनी चीजें हम लोग जानते हैं इसमें। ये सब जितने भी हमने पढ़े हैं उन सभी से मेरे ख्याल से ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, और एग्जांपल्स मैं नोट्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में और टॉपोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हम लेंगे, जैसे इंटरवल्स वगैरह, ओपन क्लोज्ड इंटरवल वगैरह, नेबरहुड डिलेटेड नेबरहुड वगैरह, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट से काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और नए नए वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।